के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात लगी हुई है, लेकिन वो पुलिस की चंगुल से अभी भी बाहर है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम की चर्चा और भी तेज हो गई, क्योंकि अशरफ के जो आखिरी शब्द थे कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद गोलियां चलती हैं और अशरफ की हत्या हो जाती है। लेकिन उसके बाद गुड्डू मुस्लिम की चर्चा होने लगी और अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम की वो नई तस्वीर है और उसमें दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को ओडिशा में पाया गया। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम कैमरे में कैद हो गया है। बिहार के बाद बंगाल और अब ओडिशा से गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही फरार चल रहा है। अब उसका नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गुड्डू मुस्लिम लंगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सीसीटीवी वीडियो देखिए और उसमें देख सकते हैं कि गुड्डू मुस्लिम किस तरह से चलकर सामने आ रहा है और ये वीडियो ओडिशा का बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में एसटीएफ सूत्रों ने बताया था कि गुड्डू मुस्लिम को बीपी और शुगर जैसी बीमारियां हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो एसटीएफ की टीम से भागता फिर रहा है। गुड्डू मुस्लिम ने अब तक 4 बार एसटीएफ टीम को चकमा दिया है और उमेश पाल के मर्डर के बाद 11 अप्रैल तक अतीक और अशरफ के संपर्क में रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा के जिस घर में गुड्डू मुस्लिम रुका हुआ था, वहां से एसटीएफ की टीम को बीपी और शुगर की दवाइयां मिली हैं। गुड्डू को पनाह देने वाले शख्स से पूछताछ में पता चला कि गुड्डू काफी खांस रहा था और बीमार चल रहा था। यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम सबसे पहले 5 मार्च को मेरठ से बस पकड़कर दिल्ली आईएसबीटी बस अड्डा पहुंचा। उसके बाद दिल्ली पहुंचते ही गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद से 21 मार्च को बमबाज गुड्डू की बिहार के भागलपुर में लोकेशन मिली। जब तक एसटीएफ टीम वहां पहुंच पाती, उसके पहले ही गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर के बाद गुड्डू मुस्लिम रायगंज पहुंचा और कुछ दिनों तक वो वहां रुका। उसका 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में रुका रहा। जब एसटीएफ की टीम वहां पहुंची तो गुड्डू मुस्लिम अपने कपड़े और कुछ दवाइयां छोड़कर फरार हो गया। अब उसकी बीपी और शुगर की दवाइयां मिलने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम बीमार है और अब वहां से दवाइयां मिलने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम बीमार है और वो ज्यादा दिन तक भाग नहीं सकता। साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो बीमार है और ज्यादा दिन तक वो भाग नहीं सकता। यानी कि पुलिस की चंगुल से अब गुड्डू मुस्लिम ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।